नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि गांव में रास्ता के जमीन के लिए लीगल प्रोसेस क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे, और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों गाँव में रास्ता के लिए जो लीगल प्रोसेस है वो तो आप जब सर्वे किया गया था तो सर्वे के समय जब सड़कें थी जो भी गांव के, चाहे छोटा सड़क हो या फिर बड़ा सड़क हो, ठीक है, तो वो नक्शा में चिन्हित किया गया है। तो ये तो लीगल प्रोसेस शामिल ही है नक्शा के जरिए सर्वे के समय से ही। तो वो है कि सर्वे के समय का रास्ता बना हुआ है, लेकिन अब है कि नए रास्ते की जब हम मांग करते हैं, नया रास्ता चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए है कि दोस्तों जब आप ज़मीन खरीदारी करते हैं तो सर्वप्रथम जब आप किन्हीं से ज़मीन खरीदारी करते हैं तो आप उस समय ही, खरीदारी के समय ही जो है, आप रास्ता का भी मांग कीजिए, ठीक है। तो रास्ता जो है, जो ज़मींदार होते हैं वो रास्ता के लिए भी ज़मीन देते हैं, क्योंकि जब तक रास्ता नहीं होगा तब तक आप उस ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां पर आप रहना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रास्ता होना ही चाहिए, एक तो वो है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, ठीक है, या फिर नया ज़मीन आपने खरीद लिया है बगैर रास्ते के, तो उसके लिए क्या है कि आप एक तरफ से आप हो गए और जस्ट आपके अपोजिट यानी कि आपके सामने वाले, ठीक है, अगर कोई और व्यक्ति है तो उनसे जब हम आपस में सहमति जताते हैं तो 50-50 यानी कि आधा आधा करके ज़मीन शेयर करके देते हैं, ठीक है, ज़मीन देते हैं और उसमें जो है रास्ता हम लोग निर्गत करते हैं। तो इस तरह से जो इसका जो लीगल प्रोसेस होगा, इसमें ये होगा कि आप जो है, आपके समुदाय के जो पंच या सरपंच महोदय हैं उनसे आप स्टाम्प पेपर पर लिखवा लें ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी एक लीगल प्रोसेस है कि आप रास्ता निर्गत करवा सकते हैं अपने ज़मीन तक आने के लिए। और मान लीजिए कि इन दो व्यक्ति के अलावा और लोगों को मतलब रास्ता की ज़रूरत है, तो उसमें जितने भी व्यक्ति होंगे उस में जो है सभी की सहमति होनी चाहिए और सभी का जो है उसमें ज़मीन जो है मतलब हिस्सेदारी के अनुसार रास्ता में होना चाहिए। तो ये इस तरह जो है, जो भी उस रास्ते में है सभी को रास्ता मिल सकता है, ठीक है, उस रास्ते में जिनका भी ज़मीन है सभी को रास्ता और मिल सकता है। तो इस तरह से लीगल प्रोसेस के लिए जो भी कार्य करेंगे रास्ता निकालने के लिए, स्टाम्प पेपर के जरिए करें तो वह ज़्यादा बेहतर होगा, और सरपंच महोदय के जो भी है साइन मोहर उस पर हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से लीगल प्रोसेस के अनुसार आप रास्ता निकलवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक से करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।